दोस्तों, आजकल की दुनिया में ना खुशी तो बहुत है, लेकिन सच्ची मुच्ची वाला, एकदम प्योर वाला खुशी ना, उसका बहुत ही ज़्यादा अभी अभाव है, मतलब lack of real happiness। तो आज इस वीडियो में मैं ऐसे ही पांच टॉपिक के बारे में आप सबके साथ डिस्कस करूँगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही रियलिस्टिक होने वाला है, क्योंकि पांच जो टॉपिक के बारे में बात करूँगा वो एक्चुअली में है पांच ऐसा इम्पॉर्टेंट रीजंस जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे अंदर असली वाला, सच्ची मुच्ची वाला खुशी नहीं आने के पीछे। मतलब खुशी तो है, लेकिन सच्ची मुच्ची वाला खुशी नहीं आने दे रहा है। ऐसा पांच मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही कॉम्पैक्ट छोटा सा वीडियो होने वाला है। मेरा नाम है शोविक और आप लोग देख रहे हो मी3 यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो, इस चेहरे को पहली बार देख रहे हो, प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो और सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। बहुत ही शानदार वीडियो मैं लाता हूँ हर एक दिन गैप दे दे के। मेरा इंस्पिरेशन है रणवीर अलाहाबादिया सर, भैया भी बोलता हूँ, बियर बाइसेप्स चैनल का। तो आप सभी को पता होगा जो लोग पुराना सब्सक्राइबर हो, और जिनको नहीं पता तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, मेरा जो ये सीरीज़ है मी3 टॉक्स का जो सीरीज़ है, जिसमें मैं पर्सनैलिटी के बारे में बात करता हूँ, वो मैं इंस्पायर्ड हुआ हूँ रणवीर अलाहाबादिया बियर बाइसेप्स चैनल से। तो शुरू करते हैं पहला पॉइंट से। जो पहला पॉइंट है जो असली वाला खुशी हमारे अंदर आने से रोकता है, वो है ओवरथिंकिंग। मैक्सिमम चीज़ हम लोग छोटे से छोटा काम को भी करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या फिर करने के बाद बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या फिर शुरू भी नहीं किया लेकिन बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हमारा हैबिट ही कुछ ऐसा हो गया कि हम लोग ईजी रास्ता चुनने में असफल रहते हैं। वी कैन नॉट चूज ए ईजी रोड, ईजी वे। हैबिट में बदल गया हम लोग का कि हम कोई भी काम करेंगे तो उसका कठिन, टफेस्ट रोड हम लोग चूज़ करते हैं। तो ये गलत है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, टफ रोड चूज़ करने के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, और बाद में इस काम में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लैक दिखाई देता है। तो इसलिए हमें कभी ओवरथिंक नहीं करना चाहिए। थिंकिंग इम्पॉर्टेंट है, सोचना ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा सोचना बहुत ही गलत है। हमारे हेल्थ पे भी इम्पैक्ट होता है, हमारे मेंटल हेल्थ में भी इम्पैक्ट होता है, और हम जो काम करना है लाइफ में उस पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। सो हमें ओवरथिंक नहीं करना है। दूसरा पॉइंट जो है मेरे हिसाब से इन पाँचों पॉइंट में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है हमारे अंदर परफेक्ट खुशी नहीं आने के पीछे, और वो है एक्सपेक्टेशंस। हम इंसान का एक हैबिट हो गया है एक्सपेक्ट करना। कुछ भी करने से पहले हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये करेंगे तो अभी वो हो जाएगा, ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, अच्छा उनके लिए मैं ये करता हूँ तो वो मेरे लिए ये करेंगे कि नहीं, या फिर मैं ये खरीदूँगा तेरे लिए तो तू मेरे लिए वो खरीद, मैं तुझे इस चीज़ से मदद करूँगा तो तू मुझे वैसे मदद करेगा। मतलब कुछ ना कुछ हमेशा एक्सपेक्टेशन रहता है, ये पेरेंट्स के अंदर भी रहता है। एक्सपेक्टेशन एक बहुत बड़ा जड़ है हमारा रियल वाला हैप्पीनेस को रोकने के पीछे, और इसे हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस कैसे नहीं करना है, हम लोग नेचर से लेसन ले सकते हैं। जैसे हवा, स्काई, आसमान, ज़मीन, पानी, पेड़, सब सेल्फ प्लस है। मतलब हमें वो लोग बिल्कुल नहीं सोचते कि मैं जानता हूँ कि उन पे सोचने का क्षमता नहीं है, लेकिन ये एक एग्जांपल के तरीके से हम लोग ले सकते हैं। जैसे ज़मीन, हम सब इसके ऊपर है, और ये ज़मीन हमको देते ही जा रहा है, और हम लोग ज़मीन को क्या दे रहा है, आई डोंट नो एनीथिंग। हवा सबके लिए है, कोई मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं करता कि इसको देंगे तो ये मिलेगा तो इनको हवा पहुँचाता हूँ, ये सबके पास पहुंच जाता है। सेम पानी, सेम पेड़ हम देखते हैं, उल्टा हम इनको काट देते हैं, नहीं काटना चाहिए। तो ये लोग बहुत सेल्फलेस है, तो वैसे ही हमें भी सेल्फलेस थोड़ा बनना पड़ेगा। हाँ, एक्सपेक्ट कुछ करना पड़ता है कभी ना कभी, बट एक्सपेक्टेशन अगर ज़्यादा करो तो बुरा है। ज़्यादा क्या, एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। एक्सपेक्टेशन जड़ है बहुत सारा रिश्ता टूटने में, एक्सपेक्टेशन जड़ है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में रिलेशन खराब होने में, एक्सपेक्टेशन जड़ है कोई भी स्ट्रेंजर से भी बात ठीक से ना होने के पीछे। बिकॉज हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा हम लोग स्ट्रेंजर से बात करने में, लेकिन हम लोग इतना अजीब है, हम लोग एक स्ट्रेंजर से जब बात करने जाते हैं तब भी सोचते हैं कि इस स्ट्रेंजर को मैं ये बोलूँगा तो एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि ये स्ट्रेंजर मुझे ये जवाब देगा, लेकिन बाद में जब देखा जाता है कि
ये जवाब उनसे नहीं मिला, सो देन कैओस। एज यूजुअल सेम चीज होता है सभी रिश्तों में, एक नंबर चीज एक्सपेक्टेशन के लिए, तो हमें एक्सपेक्टेशन माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है लाइफ से। थर्ड नंबर जो पॉइंट है वो स्पेशली टीनेजर में दिखाई देता है या मैक्सिमम लोगों में दिखाई देता है। सब ये पांचों पॉइंट बहुत ही बेसिक पॉइंट है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कंपैरिजन। और हम कंपैरिजन कर कर के ना अपने आप को इतना छोटा समझने लगते हैं या फिर कभी कभी इतना बड़ा समझने लगता है कि आफ्टर ऑल हम लोग ख़त्म हो जाते हैं, हमें हमारा मेंटल पीस ख़त्म हो जाता है, हमारा हेल्थ ख़त्म हो जाता है, हमारा लाइफस्टाइल में चेंज आ जाता है, हम लोग जैसा नहीं है वैसा बनने की कोशिश करते हैं तो वी फेल और ऐसे ही ख़त्म हो जाता है सब कुछ। सो एक्सपेक्ट नहीं करना है और ये मैंने बता दिया, और कंपैरिजन नहीं करना है। जैसे कि टीनेजर में दिखाई देता है कि उस बंदे के पास वो वाला फ़ोन है, मेरे पास ऐसा फ़ोन क्यों, मुझे भी उसके जैसा फ़ोन खरीदना है, तो हो गया इसके दिमाग में घुस गया और ये नेगेटिव चीज़ें करेगा मैक्सिमम टाइम की टू गेट दैट फ़ोन। बट जिद सही है, खुद के साथ कंपेयर करो कि कल मैं कैसा था आज मैं क्या हूँ, और अगर मुझे वो चाहिए तो मुझे कैसे काम करना पड़ेगा, मुझे कैसे डेवलप करना पड़ेगा खुद को। ऐसे ठीक है, खुद के साथ खुद का कंपेयर करो, बट दूसरों के साथ खुद को अगर कंपेयर करोगे तो हमेशा खुद को छोटा फील करोगे, या फिर अगर तुम इगोइस्टिक हो तो बहुत ज़्यादा बड़ा फील करोगे जिसके लिए तुम्हें रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा। तो कंपैरिजन भी बिल्कुल नहीं करना है। तो हम लोग चौथा पॉइंट में अगर जाए, सेकंड लास्ट पॉइंट, उससे जाने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो करना ही करना है, बेल आइकन को दबाना ही है। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख चुके हो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, और अगर अच्छा लग रहा है तो पता ही है, कमेंट करो, लाइक करो और शेयर कर दो सबके पास, अगर लगता है कि जिन जिन तक पहुंचना चाहिए सबके साथ शेयर करो, जिनको देखना है देखेगा, और जो लोग एक्सपेक्ट करता है कि मुझे ये शेयर करके मुझे क्या मिलेगा, सो आप लोग शेयर ना करें। जो लोग सेल्फलेस हो, जो लोग बहुत ही खुले मन के हो, वो लोग प्लीज़ शेयर करो इस वीडियो को। मीत्री गाई मेरा यूज़र नेम है इंस्टाग्राम में, वहाँ पे जाके आप लोग मुझे फॉलो करो, वहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रह रहा हूँ आजकल। चलते हैं चौथा पॉइंट में, सेल्फ डाउट। हम लोग खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा शक करते हैं। एक्चुअली सेल्फ डाउट को भी अगर मैं ना पकड़ूँ, ओनली डाउट भी बोल सकते हैं कि ये वर्ड और या फिर ये वाला चीज़ भी हमारे ज़िंदगी में असली खुशी को आने में रोकता है, बिकॉज हमें किसी के ऊपर शक भी नहीं करना है और खुद के ऊपर भी शक नहीं करना है। ज़रूरत पड़े तो पूछताछ कर लो, ज़रूरत पड़े तो बातें कर लो, बट शक नहीं करना है, सेल्फ डाउट तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे खुद के खुशी के बारे में बात कर रहा हूँ तो इसलिए मैं सेल्फ डाउट बोल रहा हूँ। कुछ भी काम करने से पहले ये मत सोचो कि अरे मैं कर पाऊँगा या नहीं, ऐसा सोचते सोचते नहीं होता है। जैसे मैं ये सब वीडियो बना रहा हूँ रणवीर अलाहाबादिया से इंस्पायर्ड होकर, ये सब वीडियो जब बना रहा हूँ उससे पहले तक मैं सोचता था, सेल्फ डाउट करता था बहुत कि मैं इंस्पायर हो गया कि नहीं मुझे भी करना है, सभी लोग जीरो से उठाए, सो आई कैन ऑल्सो डू दैट। सो इसके बाद जिस दिन से सेल्फ डाउट कैंसिल किया खुद के मन से, उसी दिन मैं आपके सामने एक प्रॉमिस किया था कि एक दिन बाद मतलब एक दिन गैप दे के मैं वीडियो लाऊंगा, और फिलहाल के लिए ऐसा इंफोटेनमेंट चैनल हमारे स्टेट में मैं पहला हूँ। ये क्यों हो पाया, आपके वजह से, मेरे अंदर से सेल्फ डाउट को कैंसिल किया तो इसलिए हो पा रहा है। सेल्फ डाउट हटा दो। लास्ट पॉइंट जो हमें तोड़ के मोड़ के रख देता है वो है लोग क्या कहेंगे। एक कहावत है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। एक और कहावत है, लोग क्या कहेंगे या फिर लोग क्या सोचेंगे, ये भी अगर तुम सोचो तो लोग क्या सोचेंगे, मतलब लोग क्या सोचेंगे ये भी अगर हम सोचे तो लोग क्या सोचेंगे। ये बात दिमाग में सेट कर लो और खुद के जैसे चलो। मेरे हर एक वीडियोस तुम चेक कर सकते हो, मैंने कहीं ना कहीं ये बोला है हर एक वीडियो में कि किसी का ज़्यादा मत सुनो, खुद के जैसा चलते रहो, मचाते रहो, ऐसा टाइप का मैं बोलता हूँ क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ऐसे ही चलता हूँ, और जितना लोग भी ऐसे चला कभी ना कभी वो लोग बहुत ही ज़्यादा सक्सेस का शाइन देख पाया है। और मैं हर एक व्यूज़ को एज ए सक्सेस मानता हूँ, हर एक सब्सक्राइबर को एज ए सक्सेस मार्क मानता हूँ, हर एक कमेंट को एज ए सक्सेस मार्क मानता हूँ। मेरे लिए सक्सेस कोई एक चीज़ नहीं है, कोई दो चीज़ नहीं है, मेरे लिए सक्सेस एक जर्नी है, और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये कोट भी है कि सक्सेस इज़ नॉट ए
टारगेट, इट्स ए जर्नी, या फिर सक्सेस इज़ नॉट ए डेस्टिनेशन, इट्स ए जर्नी। मुझे इकोनॉमिकली एबल बनना है बहुत ज़्यादा, मुझे डोनेट करना है हर एक जगह, मुझे बहुत सारा चीज़ करना है, बहुत बड़ा गोल है। सो इसीलिए और भी ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ हूँ मैं बियर बाइसेप्स चैनल से, रणवीर अलाहाबादिया भैया सर उनसे, बिकॉज उनका भी टारगेट कुछ ऐसा ही है। आने वाले कुछ दिनों में मेरा सेटअप चेंज हो जाएगा पूरा। आई होप यू ऑल विल वॉच माई वीडियोज़ एंड बहुत ही अच्छा लगेगा आप सबको। एक बहुत ही अलग सा सेटअप, एकदम नया सेटअप में मैं जा रहा हूँ, और बहुत सारा चीज़ इम्प्रूव होने वाला है आपके दोस्त का, आपके भाई का। तो इसी के साथ लास्ट पॉइंट जो था, लोग क्या कहेंगे ज़्यादा मत सोचो, खुद के जैसा चलो। इसको ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, आपको जो करना है ना, पहले डिसाइड करो, श्योर हो जाओ खुद के ऊपर, सेल्फ डाउट हटा दो, फिर मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। जो करना है वो ठीक से करो, दैट इज़ द थिंग। आप जब मुकाम पे पहुंच जाओगे ना, तब कोई कुछ नहीं बोलेगा, तब कोई लोग कुछ नहीं बोलने वाला, बट वहां तक जाने से पहले बहुत लोग बहुत कुछ आपको बोलेंगे, उसको बस इग्नोर करना है। इतना ही था मेरा वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताएगा कमेंट में। अगर इस वीडियो को आप पसंद किए, ऐसा अगर लगता है कि इस वीडियो से आपका थोड़ा सा भी 10% भी उपकार हुआ है, अच्छा हुआ है आपका, तो लाइक ज़रूर दबाना और कमेंट में ज़रूर बताना आपका कोई रिक्वेस्ट है या फिर कुछ है। तो मैं रोज़ाना आपके लिए ऐसा वीडियो लाता रहता हूँ और म्यूज़िक वीडियोज़ भी लाता रहता हूँ कभी ना कभी, कुछ दिन गैप दे दे के। और व्लॉग्स अभी थोड़ा बंद है, आई विल ट्राई टू मेक सून, बट व्लॉग्स को थोड़ा साइड में रख के इंफोटेनमेंट में ध्यान देते हैं। तो इसी के साथ दिस इज़ शोविक साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज वीडियो। सब्सक्राइब करना मत भूलना, इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना, और क्या, आसपास के लोगों का ज़्यादा मत सुनो, खुद के जैसा चलो। मचा